हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2013 बुकलेट सीरीज बी पार्ट वन का क्वेश्चन फर्स्ट है। इफ ए प्लस बी प्लस इक्वल जीरो, देन वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल जीरो दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में सेकेंड थर्ड को ऐड कर देंगे तो ये हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। और सेकेंड कॉलम जैसे है, थर्ड कॉलम जैसे है, वैसे ही रख लेंगे। और इस तरह ये डिटरमिनेंट जीरो। अब इसे कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन से वन वन वन, सी बी माइनस एक्स, ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल जीरो। अब डिटरमिनेंट इक्वल जीरो हो रहा है तो ये भी इसका एक मूल है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी ये हल है इसका। तो एक्स इक्वल आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो दिया हुआ है। तो एक्स इक्वल जीरो मीन्स ऑप्शन ए सही है। द वैल्यू ऑफ ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए लोअर लिमिट जीरो है तो अपर लिमिट से इसी एक्स को माइनस कर सकते हैं, मीन्स जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स। और इसको आई ले लें तो ये भी आई हो गया, मीन्स आई इक्वल आ गया जीरो टू पाई बाई टू लॉग काट एक्स डीएक्स। और इस आई और इस आई को ऐड कर दें तो टू आई इक्वल जीरो टू पाई बाई टू लॉग यम प्लस लॉग एन, लॉग यम एन हो जाएगा, मीन्स लॉग टेन एक्स इंटू काट एक्स डीएक्स। और ये कैंसिल हो रहा है, मीन्स लॉग वन, और लॉग वन का वैल्यू जीरो तो ये आ गया जीरो, आई इक्वल जीरो, इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो, ऑप्शन ए सही है। ग्रुप जेड वन वन मीन्स जेड इलेवन के सब ग्रुप की संख्या कितनी होगी, ये इलेवन प्राइम नंबर है इसलिए प्राइम नंबर के सब ग्रुप की संख्या दो होती है, मीन्स ऑप्शन ए सही है। दोनों कर्व के बीच का एंगल पूछ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स माइनस टू आई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल ये माइनस टू एक्स और ये जाएगा तो अपन माइनस टू वाई, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, x अपन y को स्लोप यम वन मान लें। और ऐसे ही ये टू एक्स टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो dy बाई डी एक्स हो रहा है माइनस टू एक्स अपन माइनस टू वाई, ये प्लस टू वाई है और टू से टू कैंसिल, माइनस एक्स अपन वाई को ये स्लोप यम टू ले लें। अब फार्मूला होता है इनके बीच के एंगल को थीटा मान लें तो टेन थीटा इक्वल यम वन यम टू का डिफरेंस, मीन्स एक्स अपन वाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स अपन वाई अपन वन प्लस यम वन यम टू, तो यम वन एक्स अपन वाई और यम टू माइनस एक्स अपन वाई। इस तरह ये टेन थीटा आ रहा है टू एक्स अपन वाई और ये वाई स्क्वायर, ये एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपन वाई स्क्वायर, तो वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, टेन थीटा इक्वल आ रहा है टू एक्स वाई अपन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मॉडुलस मीन्स ये थीटा पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण। अब इसके लिए इस फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को जोड़ देंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, टू एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट टू और प्लस ए स्क्वायर। और यदि इससे इसको माइनस कर देंगे तो टू आई स्क्वायर हो रहा है ए स्क्वायर अंडर रूट टू माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फार्मूला से इसका स्क्वायर करेंगे तो टू ए पावर फोर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए पावर फोर, इस तरह आया ए पावर फोर, दोनों का इसका और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो टू एक्स वाई इक्वल ए स्क्वायर, प्लस माइनस मॉडुलस लेना है तो प्लस ही लेना है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह टेन थीटा इक्वल इससे मॉड ऑफ टू एक्स वाई मीन्स ये ए स्क्वायर हुआ और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से भी माइनस ए स्क्वायर का मॉडुलस ए स्क्वायर ही हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल वन, मीन्स थीटा इक्वल पाई बाई फोर, ऑप्शन सी सही। इससे उत्पन्न आंशिक अवकल समीकरण कौन सा है, इसके लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये ए आ गया
और इसको पी कहते हैं क्योंकि ये जीरो 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 हो जाएगा सब। और फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो 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 होगा ये बी, और इसको क्यू कहते हैं, ये वैल्यू इसमें रख लेंगे तो जेड इक्वल हो रहा है ए मीन्स पी एक्स और बी मीन्स क्यू वाई। इसी तरह ए स्क्वायर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस स्क्वायर रूट के यन स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे तो लिमिट यन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ओवर आर इक्वल वन टू यन माइनस वन, वन अपान बाहर करने पर यन हो जाएगा वन माइनस आर स्क्वायर अपान यन स्क्वायर मीन्स आर अपान यन का होल स्क्वायर। आर अपान यन को यक्स ले लेंगे तो वन बाई यन इक्वल डी एक्स होगा, और लिमिट के लिए आर इक्वल वन तो वन बाई यन, यन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो जीरो हो रहा है, आर इक्वल यन माइनस वन करेंगे तो यन माइनस वन अपान यन यन तो वन माइनस वन अपान यन, यन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो जीरो होगा, मीन्स ये अपर लिमिट वन हो जाएगी। इस तरह वन अपान यन ये डी एक्स है, वन अपान यन डी एक्स और अपान अंडर रूट वन माइनस आर अपान यन यक्स तो यक्स स्क्वायर हुआ। ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स यक्स होता है फार्मूला, और लिमिट है जीरो टू वन। इस तरह साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो पाई बाई टू, ऑप्शन बी सही है। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए बी का इनवर्स पूछ रहा है, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल ये कॉलम में केवल टू है तो इस तरह ये टू होगा और ये फोर होगा, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री और ये सिक्स हो गया। ए बी का डिटर्मिनेंट करें तो ये 12 माइनस 12 जीरो हो रहा है, डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑप्शन डी सही। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा इनमें से, तो ए डॉट ये जो दिया हुआ ये एक साथ होना चाहिए मीन्स ब्रैकेट में, तो ए डॉट इसको एक साथ ले ले रहे हैं बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। अब ए का डॉट कर लेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए ये जीरो हो जाएगा, ए डॉट सी क्रॉस सी ये तो पहले से जीरो है और ए डॉट सी क्रॉस ए भी जीरो, इस तरह ये ऑप्शन ए सही है। इसका सोल्यूशन कौन सा सही होगा, इसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यक्स डी वाई प्लस टू वाई डी वाई माइनस टू यक्स डी एक्स और ये प्लस हो जाएगा वाई डी एक्स। अब यक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स से तो यक्स वाई हो गया, और टू वाई डी वाई इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर, और माइनस टू यक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो रहा है यक्स स्क्वायर, और राइट में इसको आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिख लेंगे, ये आंसर हो गया। अब यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल सी, ये किसी ऑप्शन में नहीं है मीन्स एक क्वेश्चन में पेपर में ये रंग दिया था, कोई ऑप्शन नहीं दिया था, यही आंसर होगा। ए बी सी तीन वेक्टर हैं, 3 4 4 5 इनका मैग्नीट्यूड है और ये क्रमशः इन तीनों पर परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अब ये परपेंडिकुलर है मीन्स ए डॉट बी प्लस सी इक्वल जीरो, ऐसे ही बी डॉट सी प्लस ए इक्वल जीरो एंड सी डॉट ए प्लस बी इक्वल जीरो। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल जीरो इसकी मीनिंग हुई ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल जीरो, ऐसे ही बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इक्वल जीरो और इससे आ रहा है सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल जीरो। अब इसके लिए वैल्यू पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ इसका होल स्क्वायर करते हैं तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी को ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी लिख दे रहे हैं प्लस टू बी डॉट सी को बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी और टू सी डॉट ए को सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए लिख रहे हैं। इस तरह मॉड ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ये 3 स्क्वायर 9 ये 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ये जीरो हो गया, ए डॉट बी और ये प्लस बी डॉट सी ये भी जीरो हो गया और बी डॉट सी सी डॉट ये भी जीरो हो गया मीन्स ये जीरो हो गया। इस तरह इसका अब कोई अर्थ नहीं है, ये ऐड कर लेंगे 50 हो रहा है तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इस 50 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5√2, ऑप्शन ए सही है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं
दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए ये 16, 25, 34, 43, 52, 61 इस तरह 6 इवेंट्स होंगे। और नंबर ऑफ सैंपलिंग ये 36 होगा, दो पासे हैं तो इस तरह प्रोबेबिलिटी 6/36, 1/6 ऑप्शन ए सही है। इस कर्व द्वारा प्राप्त मैक्सिमम स्लोप क्या होगा? डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx -3x² + 18। अब मैक्सिमम स्लोप के लिए x इक्वल 0 हो जाएगा, इस तरह ये 18 मैक्सिमम स्लोप होगा। थ्री सेट्स हैं तो b इक्वल c के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो a के साथ b का और c का यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही इक्वल हो तो b इक्वल c होता है, ऑप्शन डी सही है। टेन इनवर्स x + h इक्वल ये दिया हुआ है, z इक्वल क्या होगा? फार्मूला होता है f(x + h) = f(x + h)(x) + h²/(2f)(x) इस तरह इसको एक्सपेंड करते हैं। अब f(x + h) = tan inverse x + h and f(x) = tan inverse x इस तरह f'(x) = 1/1+x² and f"(x) = -1/1+x² / 1 0x² / 2x इसी तरह f"(x) का ऐसे ही कर देते हैं। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो f(x + h) = tan inverse x + h f(x) tan inverse x h f'(x) ये है 1/1+x² इस तरह। अब ये कंपेयर कर देंगे तो टेन इनवर्स एक्स है एच साइन स्क्वायर जेड है, जबकि 1/1+x² दे रहा है तो साइन स्क्वायर जेड इक्वल 1/1+x² इस तरह कोसेक स्क्वायर जेड 1+x² होगा तो x² = cosec² z - 1 ये काट स्क्वायर जेड x = cot z तो जेड इक्वल हो रहा है काट इनवर्स एक्स। अब क्वेश्चन पेपर में cos inverse x मिसप्रिंट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका 1/x² है तो m का वैल्यू क्या होगा? x से डिवाइड कर देंगे तो dy/dx + m/xy = e−x/x इस तरह p हुआ m/x और q e−x/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e पावर इंटीग्रेशन pdx होता है, e पावर इंटीग्रेशन m/xdx इस तरह e पावर m ये गुणांक है, 1/x ये लॉग x हुआ और इसका बेस e होता है तो e पावर m को पावर पे कर देंगे तो लॉग x पावर m बेस e इस तरह आ गया x/m इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जबकि क्वेश्चन में 1/x² - x^-2 ये दोनों इक्वल हैं तो m का वैल्यू -2 ऑप्शन बी सही है। कॉमन कैटेनरी के किसी बिंदु P पर तनाव T है, निम्नतम बिंदु C पर तनाव T0, आर्क CP का भार W, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फार्मूला होता है T=wy T0=wc and w=ws y=c sec psi s = c tan psi इस तरह t इक्वल हो रहा है w, y का ये वैल्यू पुट करेंगे तो c sec psi। अब t² से t0² यदि माइनस कर दें तो w² c² sec² psi - t0² w² c² w² c² कॉमन तो sec² psi - 1 से a आ गया tan² psi। अब इसे लिख लेंगे wc tan psi² जबकि c tan psi = ये दिया हुआ है s तो ये s हो गया और स्क्वायर करेंगे तो w² s² और ws ये कैपिटल w मीन्स w² तो t² - t0² = w² ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन में ये टावर 50 मीटर का है और इक्वल डिस्टेंस से 50 मीटर से ही यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इस फ्लैग को ए बी ले लेते हैं, टावर को बी सी और ये इक्वल डिस्टेंस ए सी और डी सी इक्वल है
और यहां से ये एंगल 60 डिग्री का है, ये हाइट को एच ले लें, इसी को क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इस तरह टेन 60 डिग्री इक्वल एच प्लस 50 अपन 50, टेन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3, तो एच प्लस 50 इक्वल 50 अंडर रूट 3, एच इक्वल 50 अंडर रूट 3 माइनस 50, एच इक्वल 50 कॉमन अंडर रूट 3 माइनस 1, ऑप्शन डी सही है। वेक्टर ए बी एंड सी तीन ये यूनिट वेक्टर हैं, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, ये पूछ रहा है। अब ये फार्मूला होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी और इंटू सी, ये दिया हुआ है 1/2 वेक्टर बी, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ए डॉट सी माइनस 1/2 वेक्टर बी कॉमन हो गया, ए डॉट बी इंटू सी इक्वल हो गया 0। अब ये इस फॉर्म में है कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल 0। अब या तो ये ए और बी पैरालेल हो तब ये 0 होता है, या एक्स और वाई ये 0 हो, तो पैरालेल तो है नहीं, क्योंकि यदि बी और सी पैरालेल होंगे तो बी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, जबकि वैल्यू दिया है, मीन्स ये पैरालेल नहीं है, तो फिर एक्स भी 0 और वाई भी 0, इस तरह इसको 0 कर देंगे तो ए डॉट सी माइनस हाफ इक्वल 0, ए डॉट सी इक्वल ये 1/2। फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए मीन्स यूनिट वेक्टर है तो 1, मॉड ऑफ सी यूनिट वेक्टर है तो 1, कॉस ऑफ थीटा ये दिया हुआ है 1/2, इस तरह थीटा इक्वल 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3, ऑप्शन बी सही है। इस कर्व के जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं यक्ष अक्ष के समांतर हैं उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे यक्ष के रिस्पेक्ट में, तो 2x 2y dy बाई dx माइनस 2 इक्वल 0, इस तरह 2y dy बाई dx हो रहा है 2 माइनस 2x, तो dy बाई dx 1 माइनस x अपन y 2 से भी कैंसिल कर देंगे, और ये पैरालेल है एक्स एक्सिस के, तो ऐसे डिवाई बाई डी एक्स इक्वल 0 होगा, इस तरह 1/x इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 1 आ रहा है। अब एक्स इक्वल 1 इसमें रख लेंगे तो 1 + y² माइनस 2 - 3 इक्वल 0, तो y² इक्वल 4, y इक्वल +-2, वे पॉइंट हो गए एक्स इक्वल 1 y इक्वल 2 और एक्स इक्वल 1 तो y इक्वल -2, ऑप्शन बी सही है। इफ वाई इक्वल एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, देन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, इसमें वाई इक्वल एक्स पावर ऐसे वाई ले लेंगे, क्योंकि वाई एडजस्ट कर देंगे तो ये इन्फिनिटी तक एडजस्ट हो जाएगा, लॉग ले लेंगे दोनों साइड का, तो लॉग वाई इक्वल वाई लॉग एक्स होगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y डीवाई बाई डी एक्स इक्वल, ये फर्स्ट फंक्शन है लॉग एक्स का 1/x और लॉग एक्स सेकेंड y का dy बाई dx, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो 1/y माइनस लॉग एक्स, क्योंकि dy बाई dx ये कॉमन हो गया और ये आ रहा है y बाई एक्स, इस तरह इसको एलसीएम y 1 - y लॉग एक्स dy बाई dx लिख लेंगे और y बाई ये एक्स हो गया, एक्स को लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स dy बाई dx, और इसको राइट में ले जाएंगे तो y इंटू वाई y² और अपान 1 - y लॉग एक्स, इस तरह इसका ये वैल्यू हुआ, ऑप्शन ए सही है। इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, 1/√2 ये साइन एक्स हुआ माइनस 1/√2 कास एक्स, अब साइन एक्स ये कास पाई बाई 4 माइनस कास एक्स, इसको लिख लेंगे साइन पाई बाई 4, इस तरह ये फार्मूला हुआ साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। अब एंगल कुछ भी हो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1, इस तरह ऑप्शन डी सही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो डेल जेड बाई डेल एक्स ये हो रहा है 1 और बाकी सब 0 हो जाएगा, इसी को पी कहते हैं, और पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑप्शन को, तो ये x और ये 3 दोनों 0 हो जाएगा, y से 1 हो जाएगा, इसको q बोलते हैं, और p और q का वैल्यू 1 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन गलत है। सेकेंड को करते हैं चेक, तो डेल जेड बाई डेल एक्स यानी एक्स पावर एन माइनस 1 फार्मूला से 3/2 से 2/3 कैंसिल हो गया, a प्लस एक्स होल पावर 1/2 हुआ,
और बाकी सब ये जीरो हो जाएगा, ये पी हो रहा है। और इस तरह डेल जेड बाई डेल वाई से ये यानी एक्स पावर एन माइनस वन से ये वाई माइनस ए होल पावर वन बाई टू हो रहा है, और डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू कहते हैं। इस तरह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस एक्स, इसका स्क्वायर वाई माइनस ए से ये कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स ऑप्शन सेकेंड सही है। किसी ट्राइंगल की साइड से 12, 5, 13 है तो इसके सर्कम सर्किल का रेडियस ज्ञात करना है। अब 13 स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इस टाइप से 12, 5, 13। इसके सर्कम सर्किल का रेडियस पूछ रहा है तो निश्चित रूप से ये डायमीटर होगा। अब रेडियस इस 13 का हाफ मीन्स 13/2 6.5, ऑप्शन बी सही है। वन का वैल्यू, वन को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर हो तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। वन प्लस कास थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2, इसका यूज इस पे करेंगे तो 2 cos² θ/2 मीन्स पाई बाई टू एन प्लस आई साइन थीटा का 2 sin θ/2 π/2n और cos θ/2 तो π/2n, ये हो रहा है होल पावर n। सेम वही फार्मूला 2 cos² π/2n माइनस आई 2 sin π/2n cos π/2n होल पावर माइनस n, कॉमन हो रहा है 2 cos π/2n, ये पावर n के साथ कॉमन हो गया, तो इस तरह cos π/2n प्लस आई sin π/2n बच गया होल पावर n। यहां कॉमन हो रहा है 2 cos π/2n लेकिन पावर माइनस n के साथ, इसमें बचा cos π/2n माइनस आई sin π/2n होल पावर माइनस n। अब ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि पावर n है, पावर माइनस n है। डिमाइवर यूज करेंगे मीन्स n का एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos π/2 प्लस आई sin π/2 होगा, और यहां माइनस को अंदर डाल देते हैं और फिर इसका डिमाइवर यूज करते हैं, कास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos π/2, और फिर ये प्लस ही हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस होगा और एंगल से माइनस वाले एंगल से माइनस एन का मल्टीप्लाई, तो प्लस आई sin π/2। cos π/2 0, sin π/2 तो 1 होगा, आई हो रहा है, और सेम यही आई, आई से आई का मल्टीप्लाई करेंगे -1, ऑप्शन बी सही है। एक गुणोत्तर श्रेणी का m प्लस एनवा पद 16 है तथा m माइनस एनवा पद 4 है, तो यमवा पद क्या होगा? इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ये और रेशियो r ले लें तो m प्लस एनवा पद के लिए ए आर पावर m प्लस एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है, ये 16 दिया है, और m माइनस एनवा के लिए ए आर पावर m माइनस एन माइनस वन, ये 4 दिया है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर आर पावर यम यम 2m हुआ, प्लस एन माइनस एन कैंसिल, और ये हो रहा है -2, 64 हो गया। इस तरह इसको लिख सकते हैं ए आर पावर यम माइनस वन का होल स्क्वायर 64, तो ए आर पावर यम माइनस वन हो गया 8, और यही ए आर पावर यम माइनस वन ये फार्मूला होता है टीएम का, मीन्स यमवा पद, इस तरह यमवा पद 8, ऑप्शन ए सही है। तो यदि सॉल्यूशन इजीली समझ में आया हो तो शेयर करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।